इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले समस्त स्टूडेंट्स एवं उनके पेरेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। पेरेंट्स भी इस वीडियो में विशेष ध्यान देंगे। अगर आपके बच्चे हाई स्कूल या इंटर में पढ़ते हैं या आने वाले हैं तो ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मैं आज आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाएं, 60% मार्क्स कैसे प्राप्त करें, इससे कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर स्कूल में आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो घर पर उसे एक बार अवश्य पढ़ लें। अगर आपको पूरे टॉपिक के पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो कम से कम उस टॉपिक के हेडिंग अवश्य पढ़ लें। इससे होगा क्या कि वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लास में समझ आएगा और आधा चैप्टर क्लास में ही याद हो जाएगा। कुछ बच्चे होते क्या हैं कि जो कठिन चैप्टर है उसको छोड़ते रहते हैं, सोचते हैं बाद में कर लेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जितने भी कठिन चैप्टर हैं उनको पहले करिए। अब होगा क्या, अगर कठिन चैप्टर है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर से उसमें डिस्कस करके उस प्रॉब्लम का हल कर सकते हो। और यही चैप्टर अगर आप लास्ट में करोगे और उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो आपके दिमाग में टेंशन होगी और आप टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए जो कठिन चैप्टर है उनको पहले करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, प्रातः मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आपको करना चाहिए आज पूरे दिन में क्या पढ़ना, उसके शॉर्ट टर्म गोल बनाने चाहिए और उसको पूरा भी करना चाहिए। जब आप उस शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करते हैं तो आप में एक विश्वास आता है, आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि आप मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। इसलिए शॉर्ट टर्म गोल बनाएं और उनको उसी दिन पूरा करें, और पूरा करने पर क्या होगा, आप में एक विश्वास आएगा। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक होती किताब खोल के पढ़ना और एक होता किताब बंद के पढ़ना, बंद करके पढ़ना। और किताब बंद करके पढ़ना किताब खोल के पढ़ने से कई गुना अच्छा है और कम समय में बहुत ज़्यादा हम पढ़ सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिसाइट करना। रिसाइट करने का मतलब ये है कि आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है रात को सोने से पहले एक बार उसको रिवाइज जरूर कर ले। इससे क्या होगा, आपने पूरे दिन का जितना पढ़ा है वो दिमाग में पूरा चलता रहेगा और रात में आपके दिमाग में भी वही बातें चलती रहेंगी, यानी सोते समय भी आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। इसलिए सोने से पहले रिसाइट जरूर करें। जो छोटे प्रश्न होते हैं उन पर तो पूरे मार्क्स मिलते ही हैं, लेकिन दिक्कत वहाँ आती है बड़े प्रश्नों पर बच्चों को पूरे मार्क्स नहीं लगते, इसलिए 100% मार्क्स आने से बच्चों के रुक जाते हैं। तो इसका उपाय यह है कि जितने भी बड़े प्रश्न होते हैं उनको आप एक बार लिखिए और लिखने के बाद जो आपके एक्सपर्ट टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, उनसे चेक कराइए, कहिए कि क्या इस पर पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर उस पर नहीं मिल सकते तो उस पर क्या और सुधार किया जा सकता है, इसका डिस्कस उस पर करें। तो इससे आपको क्या होगा, जो बड़े क्वेश्चन हैं उस पर भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, जिसे भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए ये सबसे ज़रूरी है, मस्ट है कि पिछले 10 वर्षों में आए हुए बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें और उनको अच्छे से नोट्स भी बना लें, साथ में अपने जो सब्जेक्ट टीचर है, एक्सपर्ट टीचर है, उनसे उनको चेक भी करा लें। तो इससे होगा क्या, एक तो बोर्ड परीक्षा में जो कुछ प्रश्न जो हर बार रिपीट होते हैं, हर साल आते हैं, तो एक उन क्वेश्चनों पर आपका कन्फिडेंस होगा और ये भी मालूम चलेगा कि उसका पैटर्न क्या है, कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, ये भी आपको उससे जानकारी हो जाएगी। इसलिए पिछले 10 वर्षों के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र को अवश्य सॉल्व करें। होता क्या है, उस परीक्षा में जो बड़े प्रश्न होते हैं बच्चे उनको करने लगते हैं और उन क्वेश्चन को करने के चक्कर में छोटे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इस समस्या से समाधान के लिए एक उपाय है कि जो भी बड़े प्रश्न हो उनको आप घर पर पहले उन उस प्रश्न को कितने समय में कर पा रहे हैं उसका टाइम सेट जरूर कर लें। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि यार जो बड़ा क्वेश्चन है उसको करने में कितना समय लेगा। तो इससे क्या है, आप स्कूल में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जब वो पेपर दे रहा होगा तो आपको पहले से मालूम होगा कि ये जो प्रश्न है वो इतना टाइम लेगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है तो आपको तैयारी सब बेकार हो जाएगी। इसलिए बड़े क्वेश्चन का विशेष रूप से टाइम मैनेजमेंट जरूर बनाएं कि उस प्रश्न को आप कितने समय में कर पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि टाइम टेबल बनाएं या ना बनाएं। कुछ टीचर भी इस बात को नहीं जोड़ देते हैं कि टाइम टेबल बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, आना चाहिए। मेरे अनुसार मैंने जो अनुभवी अध्यापकों से डिस्कस किया है उससे मैं इस निष्कर्ष पर निकाला हूँ कि टाइम टेबल अवश्य बनाना चाहिए। अब क्यों बनाना चाहिए जरा समझिए। अगर टाइम टेबल नहीं बना होगा तो आप कन्फ्यूजन रहोगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें और कौन सा ना पढ़ें। तो आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि टाइम टेबल जरूर बनाएं और उस टाइम टेबल में ही अपने शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करें।
कुछ बच्चे ऐसा होता है कि सिलेबस का पता नहीं होता, तैयारी कर रहे होते हैं और बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो आपको तैयारी करने से पहले ये ज़रूरी है कि सिलेबस पर डिस्कस जरूर कर लें, अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ लें कि बोर्ड एग्जाम का क्या सिलेबस है और उसमें क्या क्या आने वाला है सिलेबस में, तो इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो जितना सिलेबस है उसके हिसाब से ही तैयारी करें, फालतू तैयारी करके अपने समय को नष्ट ना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है, अगली कक्षा में पढ़ाई में भी सुविधा होती है और हाई स्कूल और इंटर में हमारे अच्छे मार्क्स होते हैं तो हमें सर्विस में भी हेल्प मिलती है। और हमारा हाई स्कूल का तो एक तरह से बर्थ सर्टिफिकेट का भी काम करता है, तो हमें हाई स्कूल और इंटर में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अच्छे मार्क्स आते हैं तो हमें आगे की स्टडी में सुविधा मिलती है। तो अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आप इन टिप्स का फॉलो करेंगे। तो जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उनको आप बड़े ध्यान से इसको बिल्कुल एंड तक समझते रहिएगा और एंड में मैं इसको फिर एक बार संक्षेप में सार भी आपको बताऊँगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि रफ में बहुत गंदा लिखते हैं और सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम बहुत अच्छा साफ लिखेंगे या फिर कॉपी में बहुत सजा सजा के लिखते हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप रफ कॉपी में भी लिखते हैं तो बिल्कुल साफ लिखें, क्योंकि जो रफ कॉपी में लिखा जाता है, जैसी राइटिंग रफ कॉपी में लिखी जाती है वैसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखी जाती है। क्योंकि जब हम रफ कॉपी में कर रहे होते हैं तब भी हमें जल्दबाजी रहती है और जब हम बोर्ड में एग्जाम में लिख रहे होते हैं तब भी हमें जल्दी रहती है, क्योंकि टाइम का हमें पूरा पेपर करना होता है। इसलिए प्रयास करें रफ कॉपी में जब आप लिख रहे हों, जल्दी जल्दी लिख रहे हों, तो साफ लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर आप रफ कॉपी में अच्छा लिख पाओगे तो 100% बोर्ड की कॉपी में भी आप अच्छा लिख पाओगे। और राइटिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, राइटिंग अगर आपकी अच्छी है साफ है तो आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है ये। जी हाँ, अच्छे पेनों का प्रयोग करें। अब देखिए वो कुछ होता क्या है कि जब एग्जाम से पहले तो आप बिल्कुल घटिया पेन से लिखते हैं और जैसे ही एग्जाम आने वाला होता है तो कुछ स्टूडेंट बहुत महंगी महंगी पेन खरीदते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अभी से पेन का सिलेक्शन करना चाहिए, अभी से उन पेनों पर अपना हाथ सेट करना चाहिए जो आप बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हैं। और वो जितने भी पेन हैं आप उनको फ्लो बना कर रख लीजिए, यानी कि उसकी जो रिफिल है वो लगभग आधी करके रख लीजिए। तो इससे होगा क्या, आपका पहले से हाथ सेट होगा तो बोर्ड एग्जाम में आपकी एक तो स्पीड भी बनेगी और राइटिंग भी साफ रहेगी। इसलिए अच्छे पेन का प्रयोग करें और अभी से सिलेक्शन करें पेनों का कि हमें बोर्ड एग्जाम में किस पेन से लिखना है, उसी पेन से अभी से प्रैक्टिस करें। रफ कॉपी में भी उन्हीं पेन से लिखें, तभी आप अच्छी राइटिंग लिख पाएंगे। देखिए, जो बड़े प्रश्न होते हैं उनके हेडिंग पर विशेष ध्यान दें। एग्जाम में होता क्या है, जो बड़े प्रश्न होते हैं एग्जाम में सारा प्रश्न नहीं पढ़ता, सारा उत्तर आपका नहीं पढ़ता, वो केवल हेडिंग पर ध्यान देता है। अगर आपके हेडिंग अट्रैक्टिव है, साफ है और अच्छे लिखे हुए हैं तो आप हेडिंग पे ही आपको पूरे नंबर उस क्वेश्चन पे मिल सकते हैं। इसलिए हेडिंग पर विशेष ध्यान दें, जो भी बड़े क्वेश्चन हो उस पर हेडिंग अवश्य डालें और साफ और स्वच्छ हेडिंग डालें, उन हेडिंग पर ही आपके बड़े क्वेश्चन के मार्क्स निर्भर करते हैं। हमें ज़्यादा लंबे समय तक लगातार नहीं पढ़ना चाहिए। जब आपका एक शॉर्ट टर्म गोल पूरा हो जाए तो बीच में कुछ ब्रेक करना चाहिए। इस ब्रेक में क्या, आप अपनी मनपसंद का म्यूजिक पढ़ें, इससे म्यूजिक सुने, तो इससे क्या होगा, आपको जब अगला टारगेट करने बैठोगे तो आपका उसमें मन लगेगा और इंटरेस्ट आएगा। इसलिए जब भी आप ब्रेक करें तो अपनी मनपसंद का म्यूजिक जरूर सुने। मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि सर हमें पढ़ते हुए नींद बहुत आती है। तो अगर आपको भी नींद आती है तो ये कर लीजिए, आपकी नींद भाग जाएगी। नंबर एक, आप जब भी नींद आए तो गर्म पानी पीजिए और साथ में मुंह में पानी ऐसे भर लीजिए और गरारे करिए जोर जोर से, तो इससे क्या होगा, आपकी नींद भाग जाएगी। या एक तरीका और भी है, ठंडे पानी से अपनी आंखों पर छींटे मारिए, धोइए आंखों को, चेहरे को धोइए और अपने पैर को धोइए, इससे भी नींद भाग जाती है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें नींद आती है, तो इसको अपना लीजिए, आपकी नींद भाग जाएगी। अब देखिए, आपके मैथ फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में जो प्रश्न कठिन है तो उस पर एक आप मार्क्स या नोट जरूर लिख दीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है उन प्रश्नों का रीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो प्रश्न आप रीजन करके नहीं गए तो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। इसलिए जो ऐसे प्रश्न हैं जो कठिन है तो उन पर आप विशेष मार्क जरूर लगा दीजिए, जिससे क्या हो परीक्षा से पहले उन पर विशेष ध्यान दे दिया जाए। अक्सर ये देखा गया है बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर हमें याद तो सब कुछ था लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर गए सब भूल गए। अब देखिए समझिए, वो भूलते क्यों। तो मेरे हिसाब से बच्चे को बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले या किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले कम 3 बार रिवीजन जरूरी है। जब आप 3 बार रिवीजन
करेंगे या 3 से ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे तो बोर्ड परीक्षा में जब आप लिख रहे होंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस होगा और हर प्रश्न का जो उत्तर है आप बिल्कुल सटीक लिखेंगे। इसलिए कम से कम 3 बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3 बार रिवीजन करके बिना बोर्ड में बैठ रहे हो तो निश्चित रूप से भूलने वाले हो। देखिए, प्रश्नों के लिखने का जो तरीका वो आपको आना चाहिए। कौन से प्रश्न का उत्तर कितना लिखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। कुछ बच्चे क्या होता है जो छोटा सा प्रश्न होता है उसमें कई पेज भर देते हैं जो कि गलत है, और बड़े प्रश्न को 2 लाइन में ख़त्म कर देते हैं। तो प्रश्न को उनके मार्क्स के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। कितना बड़ा प्रश्न है उतना ही उसका उत्तर देना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका आपकी जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे डिस्कस करिए, सर इस प्रश्न के उत्तर हमें कितने वर्ड में लिखना चाहिए, कितने पेज में लिखना चाहिए, जिससे हमें इस प्रश्न पर पूरे मार्क्स मिल जाए। छात्रों को अक्सर कहते सुना है कि सर हमें एग्जाम में क्वेश्चन में चित्र बनाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो मेरा एक ही जवाब रहता है कि जिस प्रश्न में अगर चित्र बन सकता है यह जरूरी है तो उसमें अवश्य बनाएं। चित्र जो होता है वो एक तरह से क्रीम पाउडर का काम करता है। अगर आप सही से साफ सुथरे नहा धो के बाल करके जाते हैं स्कूल तो अच्छे लगते हैं, और ऐसे पहुँच जाएंगे तो आपकी छवि बेकार रहेगी। इसलिए प्रश्न को अच्छे तरह से प्रस्तुत करने के लिए डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसी भी प्रश्न में अगर चित्र बन सकता है या जरूरत है तो उसका चित्र जरूर बनाएं। इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप कोई भी आंकिक प्रश्न करते हैं एग्जाम में तो उस आंकिक प्रश्न के उत्तर को लास्ट में आयताकार बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि कुछ एग्जामिनर होता क्या है केवल आंसर देख के नंबर दे देते हैं। तो ऐसे में आपको अगर वो बॉक्स में आपका आंसर लिखा है तो आपको बहुत सुविधा हो जाती है और आपके मार्क्स बढ़ जाती हैं। इसलिए जो भी आंकिक प्रश्न को हल करें लास्ट में जाके आयताकार रेक्टेंगल बॉक्स में उसके उत्तर को काले पेन से जरूर लिखें। अक्सर ये सुनना है कि छात्र पूछते हैं कि सर हमें कितना सोना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि किसी भी बच्चे को कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। देखिए, एनर्जी हमें 2 तरह से मिलती है, एक तो सोने से और खाने से। और अगर हम कम सोते हैं तो भी हमें एनर्जी नहीं मिलती, और ज़्यादा सोते हैं तो भी हमें एनर्जी नहीं मिलती है। इसलिए सफिशेंट सोना जरूरी है। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लोगे तो अगले दिन का जो टारगेट है वो पूरा करने में आपको परेशानी होगी। इसलिए सॉलिड नींद, एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। कम से कम मैं समझता हूँ कि 6 घंटे की नींद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पढ़ने वाले बच्चे के लिए जरूरी है। कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए सारी पढ़ाई एक तरफ और आपका स्वास्थ्य एक तरफ है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ना तो ज़्यादा खाएं ना कम खाएं, लेकिन जितना भी खाएं वो सॉलिड खाएं, अच्छा खाएं, बढ़िया खाएं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, फल खाएं, हरी सब्जियों का सेवन करें, दूध पिएं। तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। अगर स्वास्थ्य ही नहीं है, आप बैठ ही नहीं पा रहे अच्छे से कुर्सी पे, 1-2 घंटे बैठ ही नहीं पा रहे हैं सीधे, तो आपकी पढ़ाई कैसे होगी। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अंतिम पॉइंट ये बहुत ही रोचक है। अक्सर बच्चों को मैंने सुना है कहते सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन कुछ याद नहीं होता, बहुत करने की कोशिश करते हैं याद करने की लेकिन भूल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप में भी आ जाते हैं भूलने के लिए तो कम से कम मिनिमम 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। अगर आप 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन पावर यानी कि किसी चीज़ को पढ़ने का जो फोकस है वो आपका निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। देखिए, ये जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं ये बहुत ही अनुभवी अध्यापकों से डिस्कस करके बताए हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं ये मेरे हिसाब से और मैंने जो और टीचर से डिस्कस किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने बच्चे को आगे भविष्य में कामयाब बनाना चाहते हैं, हाई स्कूल इंटर में अच्छे मार्क्स दिलाना चाहते हैं, तो इन पॉइंट को फॉलो जरूर कराइएगा। अगर आपका बच्चा इन पॉइंट को फॉलो कर रहा है तो निश्चित रूप से आपका बच्चा हाई स्कूल इंटर में अच्छे मार्क्स आएगा, ये मेरी गारंटी है।